लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुमित्रा भैया बड़ी बहू, हाँ पुकारा तो फौरन आई क्यों नहीं? तुमको मजाक सूझा पर मैं तो डर गया ना, पता है? तुम्हारे मन से डर कभी नहीं निकलेगा भैया। आज तुम्हारा जन्मदिन है, लो। अरे मेरे पाँव नहीं, भगवान के पाँव, भगवान के पाँव छुओ। अच्छा छुओ। मेरे तो भगवान, ईश्वर, माँ बाप, भाई सब तुम ही तो हो। हाँ बस, शादी से पहले हर लड़की बड़े भाई से यही बोलती है, शादी के बाद भैया को भूल जाती है। पता है क्या, तेरे लिए तो मैं बढ़िया लड़का देख रहा हूँ। लेकिन भैया तुम क्यों शर्माए? ऐसे ही, शादी किसी की भी हो शर्म मुझे आ जाती है। पहले होगा तुम्हारा ब्याह और बाद में होगा मेरा ब्याह। कारण बताती हूँ, मेरा अगर पहले ब्याह हो गया तो तुम्हें खाना खिलाने वाला, तुम्हें संभालने वाला और कौन है यहाँ, इसलिए यहाँ पहले भाभी आएंगी, उसके बाद ही मेरा ब्याह होगा। ओके, पहले यहाँ के लोग घूर के देखते हैं मुझे, कुंवारी बहन से पहले मैं शादी कर लूँ तो बेड़ा करक। अभी तुम क्या बोली थी मुझे, मुझे ही माँ बाप भाई सब कुछ समझती हो ना? हाँ भैया। तो फिर जो कहूँ करो। अच्छा, तो फटाफट ये साड़ी पहन लो, हम दोनों मिलके जाएंगे मंदिर को। फिर रास्ते में तिल के लड्डू, नमकीन चने, मूंगफली, ये सब खाने का मौका मिलेगा। तुम इतने बड़े हो गए, अपनी आदतें नहीं छोड़ी, खूब हो। क्या करूँ, आदतें नहीं छोड़ती मुझे। डैडी आपने बुलाया? हाँ राजू, मिल्क पाउडर पहुंच गया है, ले आओ संभाल के। ओके डैडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। सुमित्रा, बॉम्बे लाइन खराब हो गई है, इसलिए पैम्फले जॉनसन को तुम बॉम्बे फोनोग्राम करो, मिल्क पाउडर तैयार है, फौरन आओ। सर मिल्क पाउडर तैयार है, कुछ समझ में नहीं आया। सुमित्रा, तुमसे जो मैं बोलूं वही करो तुम, ना तो क्या और ना क्यों के बारे में सोचो, ना कोई सवाल पूछो। सॉरी सर। यू कैन गो नाउ। अपनी तो समझ में नहीं आता, बड़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी है नाम के वास्ते, जहां तक मैं जानती हूँ कुछ एक्सपोर्ट भी नहीं होता और इंपोर्ट भी कुछ नहीं होता, खत भी गोल मोल होते हैं, पेचीदा पहेलियों जैसे। चुप भी रहो, सैकड़ों बार बोल चुका हूँ तुम ये नौकरी छोड़ दो, लेकिन तुम मानती नहीं। हम क्या खाते हैं ये मालूम है तुमको? शाकाहारी भोजन, उसके लिए जो मैं कमाता हूँ बहुत है। नौकरी पे जाने से मुझे रोकते हो, खाली बैठे बोर होती रहूं मैं। अगर ब्याह के बाद तुम्हारा पति बोले नौकरी ना करो तो क्या करोगी बहना? तो माँ बन के बच्चों को प्रेम से पालूंगी। शादी के बाद फटाफट बच्चे पैदा हो गए तो मोहल्ले वाले मजाक उड़ाएंगे। हाँ बोलना तो भूल ही गया,
लड़का भी मुझको मिल गया, खूब गोरा चिट्टा एकदम हीरो है, बैंक में नौकर है, कूटर है उसके पास, लेकिन दहेज थोड़ा बढ़ के पूछते हैं 56,000, परवाह नहीं। पर दहेज क्यों देंगे शादी के वास्ते, ये तो बड़ी बुरी प्रथा है। गाय भैंस भेड़ बकरी को पैसों से बाजार में मोल लेते हैं। इस देश में बेटियां भेड़ बकरियों से भी बदतर हैं। वो कैसे, वो कैसे? बेटी भी दो और रुपए भी दो उनको। वो सब मुझको नहीं मालूम, बरसों से तुम्हारे नाम से पैसे जमा करता रहा हूँ, किस लिए? तुमको किसी अच्छे लड़के के हाथों सौंप दूं, लेकिन थोड़ा मामला पैसों की कमी का है, परवाह नहीं, किसी से कर्ज मांगूंगा तो मिल जाएगा, बाद में देख लेंगे। तुमने दहेज दिया तो मैं शादी वादी नहीं करूंगी। हाँ, मैं जो कहूंगा कभी नहीं मानोगी तुम तो। जो मैं नहीं बोलती तुमसे, मैं गाना भी नहीं गाऊंगा। अच्छे भाई हो ना, ये लो। जो कहूंगा करोगी? कर। मैं जिससे कहूँ उससे ब्याह करोगी? करूंगी। इनकार तो नहीं करोगी? नहीं करूंगी। अब वो पापड़ मुझे दे दे। महेश, महेश जी, बलराम साहब ने जो खत दिए थे वो सब टाइप कर दिए, राजा साहब से कहना दस्तखत साहब से करवा ले, पोस्ट मैं कर दूंगी। अच्छी बात है, मोना चले। चलो। भैया आज बहुत जोर से डांटेंगे मुझे। पर किस लिए? ओवर टाइम करना उनको पसंद नहीं। उनसे इतना डरती हो? अरे हैंडबैग तो मैं दफ्तर में ही भुलाई, अब तुम चलो मैं ले आती हूँ। ठीक है। इस वक्त अंदर जाना मना है। हैंडबैग में अंदर छोड़ाई, उसी में घर की चाबियां हैं। अच्छा अच्छा, फौरन ले आइए। मुझे माफ कर दीजिए बॉस, इस दफा मुझे माफ कर दीजिए। ए, तुझे माफ कर दूं मैं? मैंने कहा था सोना पहुंचाकर, पैसे मेरे पास लेकर आना, और तू पैसों को लेके भाग गया। मेरे चंगुल से बचना मामूली बात नहीं। बॉस, तूने सब देख लिया? हैंडबैग लेने में आई थी, गलती से मैंने देख लिया, कसम से किसी से नहीं बताऊंगी। आई एम वेरी सॉरी सुमित्रा, जिसने राज जान लिया मेरा उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। hey! हेलो भैया, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। हाँ बोलो बहन। ऑफिस के अंदर बलराम को एक आदमी का खून करते हुए मैंने देख लिया, इसलिए वो मेरा खून करना चाहता है। कहाँ से बोल रही बहन बताओ? एक बार सुमित्रा, सुमित्रा
राजू मैं इस तरफ जाता हूं, तुम उस तरफ जाओ। ओके डैडी। गया सदा के लिए। ए, इसे उठाकर बहुत दूर जंगल में फेंकाओ और इस कमबख्त लड़की को ऐसे रखो कि मालूम हो कार एक्सीडेंट में खत्म हो गई। डॉक्टर बाली के अस्पताल में हो बेटे। यहाँ मैं कैसे आया? तुम समुंदर के किनारे घायल और बेहोशी की अवस्था में पड़े हुए थे, तुरंत इस अस्पताल में तुमको भर्ती करा दिया। मुझे क्यों बचाया गुंडों के बेरहम हाथों से? अपनी बहन को और अपने आप को न बचा सका, यही दुख सदा मुझे खाता रहेगा। मुझको जीने का कोई भी हक नहीं, अब नहीं जीऊंगा मैं, आत्महत्या कर लूंगा। बेटे तुम में शारीरिक बल नहीं था, तभी तुम शत्रुओं से हार गए, लेकिन अब तो मनोबल भी नहीं है तुम्हारे पास, ऐसा लगता है। तुम्हारी बेहोशी के दौरान तुमसे तुम्हारी छोटी बहन और तुम्हारे बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस वाले आए थे। 5 बजे वो फिर वापस आएंगे, उनको घटना का पूरा पूरा ब्यौरा दे देना, फिर मैं तुमको ऊटी ले जाऊंगा। वहां मेरे गुरुकुल में रहो, व्यायाम द्वारा तुम्हें सभी बल प्राप्त होंगे। धीरज कभी मत खोना बेटे, तुम्हें वहां बुलाने की व्यवस्था मैं करता हूं।
काय किया भाई, पुराना होने के नाते मैं तुमको बोलता हूँ, गुरुकुल खुलने का फीता कटने के शुभ मुहूर्त में पैदा हुआ था, अब तुमको क्या होना, तुम्हें बैलेंस करके सिर्फ खड़ा होना है ना। देखो देखो देखो, मैं खड़ा होकर बताता हूँ, अब देखो, अब तो चुनाव में भी खड़ा हो सकते हो। कमर मुड़ गई मेरी, मुश्किल है प्रकाश, छोड़ दे। बाप प्यारे, खड़ा हो गया, घुमा रहा है, लगता है वो भी कर लेगा। ओहो, तुमसे सीनियर हूं मैं। अच्छा, ये काम तो सीख लिया। ओके, अब मैं इस डिब्बे को वहां से लुढ़काता हूं। लुढ़कते डिब्बे पे खड़े होकर तुम बैलेंस करो, यहां कर पाए तो वहां भी पानी लांग पाओगे तुम। लुढ़काता हूं। ये सब कहीं और सीखने के बाद यहां पे आए हो हैं? ले लुढ़क। ये हमरा बिल। ये क्या 4.50? अब क्या क्या खाया सब मालूम हमको। 2 प्लेट मटन करी, 2 प्लेट चाप, चावल 1 प्लेट और 2 चपाती, 24.50 रुपया हुआ। इतना फर्क कैसे? बिल हम बनाए क्या? बनाए वाले से पूछो ना। अरे वो चक्रम सिंह, इधर आ महाराज, आना महाराज। ये क्या 24.50 की जगह तुम 4.50 लिखा? आगे दूरी का भूल गया मैं। तुम भूल गए चक्रम, हम तुम्हें भूल गए। सोच लो, तुम फौरन जाओ कहती हो, तुम बाहर जाओ, तुम जाओ बाहर। ये कैसी लोन सुन रही, बाहर जाओ, तुम हमको बोल रही हो? चलो प्रकाश। ओहो, आप उधर तशरीफ रखो, बैठो, यहाँ तुम मत ठहरो, कमो, तुम ग्राहकों को देखो। डिंग डोंग, अंदर घुसते रेडियो सिलोन का प्रोग्राम सुनने को मिल गया। आओ। ये क्या लड़के का नाम कमो? छी, अरे ये तो लड़की है, अपना पैंट पहनने का शौक पूरा कर रही है। किसे डरकाते हो? क्या मेरी बात का विश्वास नहीं? कमो, पैंट पहनने वाली लड़की, आ। ये ले, तुम बाहर जाओ, हमें तुम डुबो देगा, जाओ बाहर। हम का एक और मौका दे दियो, निकाल दोगे तो फिर कौन हमको काम देगा, बोलो तुम। तुम तो जो का माफक चिपक गया, जाके काम करो। अच्छा, चबाने से खरखर की आवाज करने वाले आइटम बोलो। चिकन करी, चिकन फ्राई, चिकन रोस्ट। और मटन में क्या है?
मटन करी, मटन फ्राई, मटन रोज और क्या है? भेजा भेजा पहले लाओ, इसके लिए वो बहुत जरूरी है। सबके सामने क्यों बोलता है रे? चिकन रोस्ट, मटन फ्राई और मटन रोस्ट लाओ। तीनों के वास्ते चिकन रोस्ट, मटन फ्राई, मटन रोस्ट, तीन प्लेट। जल्दी मेहरबानी कीजिए। आइटमों के बारे में सोच रहा है। ए, क्या देख रहा है वहाँ? अरे वो पैंट पहने ये निकर, मैं तो बस इतना देख रहा था। ये लो, ए बॉडम, पैंट समझ लो या नेकर समझ लो, एडजस्टेबल टाइप है, समझे? जवाब नहीं। हाँ? रोस्ट मटन। आप खा के बोलिए। हाँ। ए। देखो वो मेरी तरफ देख रही है। देखती होगी तुमको अपना भाई मानकर। सच पूछो तो वो कई दिनों से सिर्फ मुझको देखती है। वो तो मुझ पे मरती है। प्यारे भाई, हाथ है क्या थोड़ा? ला मुझे दे। प्लेट छोड़ के पोटी देखोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे ये चक्रम सिंह, इधर आ महाराज। क्या है? ये क्या है? चटनी शोरबा। वो तो दिखता है, इतना क्यों देते हो तुम? तुम्हारे बाप का माल है, यूं फेंकने से होटल का क्या होगा? मग जास्ती डालोगे तो लोग फेंकेंगे। क्यों बकवास करता है? अब ये सब तू खा 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 खा। ये खाए के बाद हमका जोश आएगा तो? जोश नहीं, जुल्लाब आएगा। अब बिल बनाओ तीनों का, 30 रुपए 30 पैसे। लो 30 रुपया 30 पैसा। ये लो बिल के पैसे, ये 2 रुपए टिप। हम कहना चाहिए तुम टिप्स दोगे तो वो राक्षसी सब हड़प जाई है। एक बात सुनो, तुम पर तो मुझे बड़ा रहम आता है, यहाँ की मालकिन से बात बात पे डांट खाने के बाद भी तुम नौकरी क्यों करते? कहीं और नहीं मिलती तुमको? एक तो झमेला है इसमें। क्या झमेला? जान हम पैसे के खाते नौकरी करते तो छोड़ देते हैं, या दूसरी बात? कैसी दूसरी बात? हम ही उस औरत के मर्द हैं। जाओ तुम लोग, जाओ। प्रकाश, अभ्यास आरंभ करो। सावधान रहो।
प्रकाश। क्या है? मटन रोस्ट, मटन करी, रोटी कबाब पाया। दो मटन रोस्ट, रोटी कबाब पाया। पीने के वास्ते? वो बुरी आदत मुझको नहीं है। ए, तुम्हारी आदत के बारे में तो मुझे पता नहीं, पर मुझको है। मुझको तो एक लार्ज सोडा होना। एक प्लेट आया उसके लिए, नहीं नहीं पाया उसके लिए। कब हो? क्या होना? एक और पैक ब्रांडी। अभी लाती हूँ। क्यों प्यारे, छोकरी जालिम है ना? आरे आरे। इस ब्रांडी से बढ़ के तुझ में नशा बहुत है। ये बदतमीजी की बातें मुझे पसंद नहीं। गुस्से में ना छोकरी। हाथ उठाया मुझ पे, जानती हो कौन हूँ मैं? क्या है, क्या है, क्या है भैया, क्या है गला का, ये क्या हो रहा है भैया? तुम्हारी नौकरानी ने हाथ उठाया मुझ पे। भैया नौकरानी नहीं, मेरी बेटी है, छोड़ दो भैया। अच्छा, तो जिसने हाथ उठाया उसका मुंह चूमूंगा मैं, इसकी यही सजा। ए प्रकाश, हम यहाँ चोरी से आए हैं भाई, इस मामले में पड़े तो खबर गुरु जी को मिलेगी, वो हमें सजा देंगे। आंखों के सामने किसी का अपमान हो रहा है, मैं चुपचाप देखता रहूं? कौन चुप रहने को कहता, फौरन भाग चलो। ये ना होगा मुझसे, लेकिन हमसे होगा। चलो मैं जो कहता हूँ सुनो, ये होटल माँ बाप बेटी सब मिलके चलाते हैं, इनका व्यापार ना बिगाड़ो, छोटी छोटी बातों के लिए गरीबों का सताना भूल है। अपनी हैसियत से हटके किसी को राय देना बहुत बड़ी भूल है।
ए भाई आता है। शुक्रिया कैसे अदा करूं आपका, हम तो नहीं जानते। आप रोज यहाँ झगड़ा करने आओ। किससे झगड़ा? झगड़ा करने नहीं, यहाँ खाना खाने आओ। यहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा है, उसे ठीक से रखो। हाँ भाई चक्रम सिंह। हाँ मलिक। पीछे हमरे आओ। आवत है। गुरुकुल के नियमों के विरुद्ध बाहर जाना अपराध है, इसलिए मदन और प्रभु दोनों को एक सप्ताह तक यहाँ के विद्यार्थियों के कपड़े धोने की सजा मैं देता हूँ। प्रकाश तुम बाहर गए बिना पूछे और फिर झगड़े में भी शामिल हुए, गुरुकुल के लिए तुमको एक सप्ताह तक लकड़ी काटनी पड़ेगी। भविष्य में नियम मत तोड़ना। छोटी दाढ़ी वाले का रंग देख। छोटी दाढ़ी वाले के रंग देख। ए, तुम कभी नहीं सुधरोगे, एक सप्ताह ही मत समझो, चार सप्ताह तक धोगे कपड़े। अब एक कमर पे हाथ ना रखना कह चुका था ना मैं। भाग जा भाग जा। नहीं नहीं नहीं। अरे क्या कर रहे हो? वो मेरा दोस्त है ना, उसने मुझे चुनौती दी, एक घंटे में ये सारी लकड़ियां काट सकते हो। मैंने कहा जरूर। मुझे चुनौती? मैं जान गई हूँ, मदन से किस्सा सुन लिया, हमारे लिए जो झगड़ा किया ये उसी का दंड है, माफ करना। मदन ने मेरी बोल खोल दी ना। एक बात सुनो, फौरन भाग जाओ, तुमसे बात करते किसी ने मुझे देख लिया तो फिर मुझे सजा भोगनी पड़ेगी। मुझे भी लकड़ी कटवानी है तुमसे, थोड़ा वक्त मेरे वास्ते निकालोगे? अब हंसी उड़ाओ, उस दिन चूमने के वास्ते उस बदमाश ने जब पकड़ा तो मुझे बीच में नहीं पड़ना था, चुप रहना था। तुम में हिम्मत नहीं है, तुम न चूम सके, वो हिम्मत वाला था। क्या कहा? मुझ में हिम्मत नहीं? खिलाड़ी बैटरी चार्ज हो गई है, अब तमाशा देखना। शाबाश, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम तमाशा देख रहे हैं। काहिल निकम्मा और पेटू। काहिल निकम्मा और पेटू। ओ आप। ये क्या प्रकाश, सोचा था रेडियो सीलोन वाले होटल में होगे, मगर तुम तो ट्रांसिस्टर से चिपके हो।
प्यारे मुझको काम है थोड़ा सा, तुम बाद में आ जाना। ये बात है, तुम चालू रहो, मुझको तो कोई काम नहीं, आज मैं पूरा दिन फ्री हूँ। क्यों कम्मो, मजे में हो? पसंद है मेरा दोस्त, शागर भी है मेरा ही है, अपनी ट्रेनिंग है, लड़का बहुत अच्छा दोस्त का दोस्त है। मोटा भैंसा देखो, मोटा भैंसा देखो। हाँ, किससे कहा तूने? तुझे से कहा मोटू, तुझे कहा मोटू, उससे कहा तूने? तुझे क्या, तेरे बाप को भी कहूंगा, मैं तेरे बाप को भी कहूंगा। ए भाई बच्चा किधर है? ए चल जा, चल जा, चल जा, चल जा, चल जा, चल जा। अब छुट्टी जान। ओहो, कहीं उसे मार ना दे वो मोटा। किसे? मदन को। बहुत तेज है, बच जाएगा वो। ये बताओ, तुम्हारे गुरुकुल की जेल से तुम्हें बाहर जाना मना है? किसने कहा मना है? अभी मैं आया हूँ या नहीं? रविवार को 2 बजे से 6 बजे तक छुट्टी होती है, तुम्हें भी उस दिन छुट्टी मिलती है कमो? अरे ये मालूम होता तो क्या करती बताओ? तो गरम गरम खाना, चिकन और रोटी लाती तुम्हारे वास्ते। ओ, जैसे गांव की औरतें अपने पति के वास्ते खाना ले जाती हैं, वैसे क्या? चली ये तो बता कहां चली, हम अट किले के चली ये तो बता कहां चली, कौन है वो, कौन है वो बतला दे, तेरी टोकरी में क्या है ये दिखला दे। चली ये तो बता कहां चली, कौन है वो पूछ ना ये तू हमसे, घुमा दूध भरी मटकी लिए मैं कब से। छठ से ही कर लूंगा मैं, ब्याह तो से फुर्सत से कर लूंगा मैं, ऐसा मत छोड़ मत मार, तेरी कसम तेरे बिना बाज है अब जीना मेरा। हम मत की लेके चली ये तो पता कहां चली, कौन है वो पूछ ना ये तू हमसे, घुमा दूध भरी मत के लिए मैं तब से। La 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 la
गुंडे से पिटवाया था मुझे। कहाँ है वो? वो गुंडा नहीं था, वो भी आपका माफ़ कस्टमर था। मुझसे बैर मोल लेके तुम यहाँ रह पाओगी भला? बिल्कुल नहीं। अरे तो डाल सारी चीजें। प्रकाश, क्या है कमो? उस दिन वाले गुंडे आज होटल में आके सब कुछ तोड़ गए। ये बात है, अब दोबारा सजा भोगने की जरूरत नहीं। मम्मी होटल बेच रही हैं। फिर क्या करेंगी? मद्रास में मेरे मामा रहते हैं, वही व्यापार करने का मम्मी ने सोचा है। इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। तुमसे बिछुड़कर तुम फिक्र मत करो कम्मो, तुमसे बिछड़ने का मुझको भी दुख हो रहा है। तुम मद्रास पहुंचते ही अपना पता मुझे फौरन भेज देना। यहां एक महीने में इम्तिहान खत्म हो जाएंगे, मैं भी उसके बाद मद्रास आ जाऊंगा। अंतिम से पूर्व स्पर्धा के योग्य बनने वाले विद्यार्थियों, अब आगे होने वाली समस्त स्पर्धाएं बहुत ही कठिन होंगी। इनमें सफल होने पर ही शूरवीर की उपाधि पाने के लिए अंतिम स्पर्धा में भाग लेने की क्षमता प्राप्त होगी। गिरधारी, प्रकाश, thank you.
विद्यार्थियों, इस वर्ष शिक्षण काल के अंत में 56 विद्यार्थी परीक्षाओं में सफल हुए। उनमें प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी हैं, प्रकाश और रंजीत। चूर वीर की उपाधि प्राप्त करने वाली अंतिम स्पर्धा में ये दोनों विद्यार्थी भाग लेने जा रहे हैं। अब 3 मुख्य स्पर्धाएं होंगी इनके बीच। इनमें से 2 स्पर्धाओं में सफल होने वाला उपाधि प्राप्त करेगा। इनको अपनी वीरता व मन का संकल्प दिखाकर नियमानुसार विजय प्राप्त करनी होगी। विजय पाने के लिए वीरता दिखाओ, शत्रुता मत दिखाना। Thank you.
दो स्पर्धाओं में बड़े उच्चतम रूप से विजय प्राप्त करने वाले प्रकाश को शूरवीर की उपाधि प्रदान की जाती है। जवाब खाते समय तुमको मैंने देखा, तुम्हें तो मर्द होना चाहिए था बहन, तुम मर्द के माफी खाने में जुटी थी। भैया आपको लंका से इस शहर में आके कितना बरस हुआ? जब तुम आई तभी मैं भी आ गया। तब भी क्या? हाँ तभी। सुंदरी क्या है, अंदाज अलग है पर भाषा भूली। इसकी वजह मालूम, मैं वही पैदा हुई, आप यहाँ से वहाँ जाके वापस आया। ऊटी में बहुत जोर की सर्दी है और यहाँ मद्रास में सिर्फ पसीना छोड़ता। तो एक एसी तुम लगवा लो, तुम्हारा रुपया बैंक में पड़ा हुआ है ना? ओफो, रुपये 15,000 हम व्यापार में लगाया, बाकी 50,000 रुपया अपने कामों का ब्याज बनाने को। हाँ, वो तो सच बात है, रुपया मत छूना। सुंदरी क्या है, इसे कहाँ से पकड़ा? दुकान में। इसे नहीं फिर किसे? उसे। इसे भी दुकान में पकड़ा। हर चीज दुकान से ही तुमने पकड़ी क्या? हमारे होटल में बहरा बन के आया। फुटकल काम के लिए? अब मेरा पति है, जीना मुश्किल हो गया मेरा, गुंडों से झंझट खत्म करने को हम इससे शादी बनाया। चक्रम सिंह कहाँ है? खुरच लिया। खुरचत है वो? खुरच नहीं रहा, कुड़ रहा है। उधर मत देख। सुंदरी क्या है भैया? तू और मैं एक ही किश्ती में है दोनों। तुम और मैं समझी नहीं। अरे उसको दे, पानी भरने आटा पीसने के लिए उसे मैंने रखा। ओहो नौकर रानी अब बन गई मेरी रानी। एक दिन गड़बड़ हो गई मुझसे, इसीलिए शादी करनी पड़ेगी। चालू हो तुम, मान गई भैया। मम्मी प्रकाश को स्टेशन से मिले आई। आओ भाई आओ। अच्छा हो? ठीक हूँ। भैया हाँ। तुमको हम बोली थी ये प्रकाश कम होगा। हाँ, वही झगड़ालू बच्चा। आइयो झगड़ालू बच्चा नहीं, सीधा ज्यादा लड़का। बैंक में जमा किया हम रुपया, आओ सवारी से ये लड़का। बैठो बैठो बैठो। ए चक्रम सिंह इधर आओ महाराज। अरे अच्छा तो ना प्रकाश। अच्छा है तुम जाओ। क्या प्रकाश परीक्षा खत्म हो गया? परीक्षा खत्म हो गई, मैं अव्वल आया। तुम अव्वल आओगे हमको मालूम। आंटी मुझको फौरन एक छोटा सा मकान चाहिए। मकान? अरे मुझसे बोलो, हर व्यापार के दलाल हमारे होटल में खाना खाने के वास्ते आते हैं। कितना बड़ा मकान चाहिए तुम्हें? मैं तो अकेला हूँ, छोटा सा कमरा हो तो भी ठीक है। अकेले हो फिर क्यों कमरा, खड़े रह सकते हो कहीं भी। ओहो वो कैसे भैया? तो फिर यही रहने दो। हाँ प्रकाश यही रह सकते हो। परेशानी में पड़ जाओगी तुम। अब जल्दी ही नौकरी ढूंढनी होगी मुझे। नौकरी मैं दिलवा दूंगा। मेहरबानी। इनका बच्चा बड़ा कोमल है कोमल। थोड़ा मुंह हाथ धो लूं मैं। नहा ले भाई। अरे चक्रम सिंह गर्म पानी का इंतजाम कर। वही रोब, उसे अगर अपने रोब में न रखो तो मुझ पर चलाएगा रोब। ऐसी बात उसमें तो मैंने कभी नहीं देखी। क्या, क्या नहीं देखा? रोब बाजी। अभी जो अंदर गए वो कौन है? वही होटल के मालिक हैं बलराम साहब। हाँ भाई, उस बलराम के होटल में ही क्यों काम करना चाहते हो? है एक कारण, उस होटल में कोई यार दोस्त है आपका? यार है अपना, उसका मैनेजर अच्छा दोस्त है जनाब। वो 5-स्टार होटल का मैनेजर है तो क्या हुआ, उसकी कॉकटेल पार्टियों में हमारे यहाँ के बने गर्मा गर्म पकौड़े और चाट सप्लाई होते। मैंने फोन पे कहा था ना, ये वही लड़का है, नाम है प्रकाश। अच्छा औलादी हाथ, इसका दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें बहरे का काम दिया जाता है। देखो भाई
चुस्ती से मन लगाकर काम करना होगा। बड़ा चुस्त है भाई। उसे बोलने दो ना। बहुत चुस्त हूं मैं। आज से तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया, काम शुरू कर दो। देखो मेरी दुकान पर बने गर्मा गर्म पकौड़ों का मान रख के इस भाई को तुमने नौकरी दी है, तुम्हारा शुक्रिया। सब देख लेना, छोकरी नहीं नौकरी। चलूं मैं। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। खिड़की से बाहर क्या झांकती है? कुछ भी नहीं जी। क्यों री? मुझसे झूठ? खुद मैंने देखा। कौन था बोल। ये क्या जी, इन सब के सामने मुझे बुरा भला बोल रहे हैं आप? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? फिर कभी खिड़की से झांका डाका तो खा लो दे दूंगा तेरी। बिता जा। ए अकल के दुश्मन चक्रम सिंह, ये क्या तुम कट्टी चिपकली की तरह चुक 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 भाभी पे तरस खाता है? चावल फटक चावल। सुंदरी दूसरन के सामने हमारी इज्जत का कबाड़ा बतने कर। हमने मुकुट उतारा क्या तुमरा? बेकार में बैठ के मच्छर मती मार। साले जी, तुम घरवाली के ऊपर रुआब डाल के उनका झिझोड़ के रख देते हो, हम कभी कोई मंत्र सिखाए दो ना। ये मंत्र हर एक को सिखाना मना है, खुद सीखो तुम। सीखना मुश्किल है, अब कोई मंत्र बिकता हो तो कहो, उका खरीद के बांध लें हम। तू खुद सबसे बड़ा जंतर है, जंतर वंतर बांधने के बाद बीमार पड़ गए तो कोई दवा काम नहीं करेगी, सोच ले जीजा। चक्रम सिंह इधर आओ। कम्मो और मैंने मिलके एक योजना बनाई जो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सुनने के बाद क्या है ये मत करने लगना। तुम एक मर्द हो ना? भगवान तुम्हें अपने आप पे शुभ है, ये तुम्हारी बेटी है ना? हाँ मेरी बेटी। तब भी तुम्हें शक है? तुम पत्नी से डरते हो तभी हुक्म चलाती है। हाँ पापा, इसलिए तो आपसे मैं भी नहीं डरती। एक बात सुनो, तुम लोग जैसे समझते हो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा शौहर उतने बुरे नहीं है, उन्हें तुम लोगों ने बहुत छूट दे रखी है और कुछ नहीं। एक काम करो, अब से तुम अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली नहीं बनोगे। तुम भी अपने पति से कभी नहीं डरोगे। अब जो मैं बोलूंगा वही करोगे तुम। क्या क्या है? गौर से सुनो, तुम दोनों प्यार का ड्रामा करो। क्या समझ के ये बोलते हो? मैं जो कहता हूँ वो करो। ओहो गुस्सा ना करो, तुम जब तक ऐसा नहीं करोगी वो नहीं सुधरेंगे। हाँ तेरे मामा से डर कर सहमी रहती हूँ तो भी मार मार कर मेरा भुर्ता बना देते हैं। हमका तो भाई बहुत डर लगा था। हमका तो भाई बहुत डर लगा था। ये बताओ तुम किससे नहीं डरते? अब जो मैं कहूँ वो करो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो क्या है, क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे भारत बैंक के मैनेजर के पोस्ट पर आए गोपाल कृष्ण साहब को हमारे प्रोपराइटर बलराम जी ने उनके सम्मान में जो ये दावत दी है उसमें आने वाले मेहमानों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। जितनी बार तुझे मैंने देखा है उतनी बार तू एयर इंडिया का महाराजा मुझको लगा। थैंक यू। सर प्रोग्राम स्टार्ट करवा दें सर। ओह श्योर। मेरी पार्टी में तुम गाओ। गाना वाना मुझे नहीं आता, पार्टी में नाचने गाने के लिए बहुत सी लड़कियां हैं यहाँ, उनको नाचने दो, तुम गाओ। गाना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। गाओ भी। गाना मुझे नहीं आता। अरे गाओ भी। ओ सर कितने प्यार से कह रहे हैं ये। थैंक यू। गाना मुझे नहीं आता सर। मुझे गाना आता है ना, नाचना आता है। प्लीज नो प्लीज। धीरे धीरे आए मेरी माशुका। अरे गाए मेरा दिल ये गाए पास, धीरे धीरे आए मेरी माशुका। मैं तो आशिक हूँ तेरा। अरे जैसे भौरा हर फूल पे जाए, बस वैसे मेरा मन कुछ पर आए, महफिल जम जाए। गाए मेरा पास धीरे धीरे आए मेरे।
झूला भी डलवाया, घर को दुल्हन सा सजवाया, छोड़ भी दे तू ना ना करना, आ मुझसे तू अब ना शर्मा। हाँ, छत पे झूला भी डलवाया, घर को दुल्हन सा सजवाया, छोड़ भी दे तू ना ना करना, आ मुझसे तू अब ना शर्मा। पाप नहीं है बातें करना, प्यार भरी दो बातें करना, पाप नहीं है बातें करना, प्यार भरी दो बातें करना। जो चाहो तुम शादी करना, जो चाहो तुम मंदिर चलना, वरमाला और फेरे लेना, शादी के बाजों का बजना। जो चाहो तुम बल्ले बल्ले, तुम तक तुम बल्ले बल्ले, तुम तक तुम बल्ले बल्ले, शादी के बाजों का बजना। धनक धनक धन 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 गाए मेरा दिल ये गाए पास, तू धीरे धीरे आए मेरी माशुका, मैं तो आशिक हूँ तेरा। मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास प्यार ही है, दुनिया है ये पैसे वाली, कोई यहाँ यार नहीं है। मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास प्यार ही है, दुनिया है ये पैसे वाली, कोई यहाँ यार नहीं है। आज मेरा दिल ये चाहे रानी मेरी तू हो जाए, आज मेरा दिल ये चाहे रानी मेरी तू हो जाए। वो देखो तुम्हारे पति आवत है, ड्रामा शुरू करो। हाँ। ए जी, आपके आने के बाद ही मेरी जिंदगी में थोड़ी सी बहार मुस्कुराई। ये कब बोला था, हम ऐसा कौन सा काम किए हैं? आपने जो किया वो मेरे लिए बहुत है, मन को थोड़ी शांति तो मिली। एक बात कहूँ, मेरे कपड़े धोते वक्त तुम पानी खींचते हो, तरकारी काट के देते हो, मेरे हर काम में हाथ बटाते हो, वो कुछ नहीं, मुझे सुख पहुँचाने के वास्ते, मुझे हंसाने के वास्ते, तुम्हारी मजेदार बातें करना, मजाक करना, मेरे मन को बहुत ही भला लगता है। सिर्फ तुमको ही सुख नहीं मिलत है, हमका भी बहुत सुख मिलत है। हमरी जरूर हमरी तनी भी इज्जत नहीं करत है, तुम्हारा पति तुम्हारी इज्जत नहीं करत है, हम दोनों तो इज्जत करत है आपस में। आवा आओ। रामेश्वर, अच्छी तरह सोच के देखो, इन लोगों के आने से पहले तुम्हारी पत्नी मर मर के अकेली सारा काम करती थी, एक दिन भी तुमने काम में उसका हाथ नहीं बटाया, ना ही उसे प्यार भरी बातें की। अब उसे सहारा मिल गया तो कैसे हंस के बातें कर रही है। माना ये कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन मामला आगे बढ़ने दिया तो मुसीबत, शुरू में ही पत्ता काट दो, जाओ जाके उसका हाथ बटाओ, प्यार से बोलो, उसे अपना बना लो, जाओ जाओ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? बड़ों के लिए पीठी पीस रहे हैं। वो घिसते हम डालत हैं। सो तो देख ही रहा हूँ मैं, उठो जी। काहे? काहे क्या, हम दोनों पीस लेंगे पीठी, तुम जाओ। तुम काहे को उठा तो तकलीफ, हम ही खत्म किए देते हैं, आधा तो घिस दिए हैं हम। कैसा बेवकूफ आदमी है ये, अपनी पत्नी के काम में हाथ बटाने का मैंने फैसला किया है,
तुम जाके अपनी पत्नी का हाथ बटाओ, जाओ। हमारी औरतों के काम जब आपको नहीं आते तो क्यों करते हैं? तुम सिखाओ, मैं सीख जाऊंगा। ये क्या आज मुझसे यूं चिपकने लगे? मौके पे अगर चिपके नहीं तो जो चीज अपनी है वो भी पराई हो जाएगी। जूस। सॉरी। तुम्हारा नाम क्या है? लाइट। अब प्रकाश। उस दिन पार्टी में कौन सा गाना गाए? गाए मेरा दिल ये गाए। गाओ ना प्रकाश, गाओ ना। गाए मेरा दिल ये गाए, पास तू धीरे धीरे आए मेरी माशूका। गाए मेरा दिल ये गाए, पास तू आजा धीरे धीरे। रूपा। ये क्या है? पीने के लिए जूस। जूस दे दिया ना, अब जा। लक्ष्मी, कल हम दोनों के नाटक का कछु असर भया। हाँ भैया, काम बन गया। कभी मुझे पत्नी का मानना देने वाले कल की रात बड़े प्रेम से मेरे वास्ते हलवा और फूलों की वेनी वगैरह लाए। धीरे वाली है, वो का मन बदल गया। हमरी जोरू का मन राम जाने कब बदलेगा। तुम फिक्र मत करो, आज उनको बदल दूंगी। हाय सर फटा जाते हैं, बहुत दर्द, बहुत दर्द, बहुत दर्द। हम तो कैसा है प्यारे? अरे तुमने छूते ही हमारा पौना दर्द गायब हो गया। कितना सुख है, कितना सुख है। थोड़ी देर में सारा दर्द गायब हो जाएगा। हमारा भाग अच्छा था जो हम मद्रास आए गए। ये क्या बोलते हैं? अब देखो ना, हुआ ऊटी में सर या पेट में दर्द हुआ था तो कोई भी पास नहीं फटके था, कुत्ता भी पास नहीं फटके था। हम यहाँ ना आए होते तो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सहारा कैसे। ये क्या है, ये तो मामूली सी बात है। अब देखो ना, उस दिन हम कुएं के पास पैर फिसल के गिर गए रहे, हमारे पाँव में मोच आ गई रही। सो तुम ही तो ठीक किए उसको। मोच ठीक करने में मेरा बचपन से ही बड़ा नाम है। तुम मोच ठीक कर दी हमरी, यही खातिर हमारा मन चाहता है हर रोज मोच आवे कमर में। हाँ तो भी इतना काफी है प्यारे। तनी और कैसे ना। अच्छा, चक्कर चलाने वाले चक्रम सिंह, तेरी कमर में मोच आई, अभी तेरी कमर तोड़ देती। कमर तोड़ने से क्या फायदा, किसी को प्रेम करने में दोष क्या? खुलेआम इतना प्रेम दिखाना चाहिए? प्रेम अपार है, विशाल है, इसका कोई सीमा नहीं होती। नहीं, बेवफाई में नहीं सह सकती। इसमें बेवफाई क्या है? अपने पति को तुम प्रेम और मान देती तो वो इधर उधर ताक झांक क्यों करता, तेरे आगे पीछे ही घूमता रहता। जाओ तुम जाके तेल मलो, गैर औरत को मत मालने दो। कितना सुख, कितना सुख। लक्ष्मी। ओह क्या भाभी, क्या है, क्या है? कुछ नहीं, इनके सर में दर्द हो रहा था इसलिए। सर में दर्द? तुम जाओ, मैं देख लूंगी, तेल ये ही ना। कमो के पापा, कमो के पापा, सर में दर्द था तो बुला लेते मुझे, मैं आकर सर पे तेल मल देती। ये का सुंदरी, ये बात तुम बोला थो? चुप रहना, दर्द या मोच के बाद मुझे बोला करो। तुमका मोच ठीक करे का आवत है? अब कभी मोच तुमको आए तो देखना फट से मैं तोड़ दूंगी। कमर को? नहीं मोच को। ऐसा कहो ना। कमो के पापा, कमो के पापा, अब तुम मेरे वास्ते रोश मगरे को फूल लाए करो। वो एक बार रोटी में हम फूल लाए कर दिए तो तुम गाली दी रही। वो बोटी ठंडा, बहुत ठंडा, मन के ठंडक बैठ गए। अब मद्रास आने के बाद गर्मी आ गई। कमो के पापा। मैनेजर, मैनेजर। गुड मॉर्निंग सर। वहाँ क्यों खड़े हो? सर क्या है कि वो शट अप, ऐसे तुम्हें कोई काम नहीं है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, यू डोंट वरी, आई सॉल्व द प्रॉब्लम। बंजीत राव,
वो आदमी इस होटल का पार्टनर है? अरे नहीं भाई, वो भी इस होटल में नौकर है, लेकिन मालिक को उस पर बहुत भरोसा है, वो जो कहे मालिक फौरन करते हैं, इतना भरोसा है। हाँ भाई। अगर शोर मचाने या भागने की कोशिश की तो मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। अब जो मैं पूछूं उसका जवाब दो। बलराम का स्मगलिंग का अड्डा कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, मैं उनका सेक्रेटरी हूँ, सिर्फ उनकी चिट्ठियां टाइप करना मेरा काम है। बदमाश बदमाश बेईमान बेईमान, गला छोड़ मेरा, बताता हूँ बताता हूँ बताता। पता पता जो बता दूं तो पहुंचना नामुमकिन है, वहां तुम पहुंच गए तो लौटना नामुमकिन है। उसकी परवाह नहीं, तुम बताओ। तुम कौन हो बताओ, तब बताऊंगा। मर गए, मालिक के घर पर ही है। कुछ नहीं कुछ नहीं। किस लिए बेटी चीखी? देखा मुझे और चीख उठी। अच्छा ये बात है। जाओ आप लोग, बारिश आने वाली है, ये गाड़ी हमारी। क्या करोगे? कमों को बिठाऊंगा। अब देखिए आप दोनों, नहीं नहीं, पति पत्नी आप दोनों शांत से उस तरफ से जाइए, हम दोनों शांत से इस तरफ से। हम उधर से जाएंगे, तुम इधर से जाओगे। ठीक है, जाओ जाओ, जाने दो जाने दो, जाओ गाड़ी धक्का मार के जाओ जाओ ले जाओ। ये बताओ वो गाड़ी ठेलते हुए कम्मो को साथ में लेकर आखिर प्रकाश जा कर रहा है, कोई चक्कर वक्कर की बात तो नहीं है बहन? क्या बोलते हो, प्रकाश तो सोने के माफिक है, हमारे साथ वो फरेब न करेगा। तो फिर आओ हम लोग घर चलें। उस तरफ आप जाओ, इस तरफ हम दोनों। कम्मो के पापा, कम्मो के पापा, कम्मो के पापा, कम्मो के पापा। ये क्या अंधेरे में कम्मो के पापा सुन रही, कम्मो के पापा सुन रही की आवाज है? कम्मो की मामी घर चलो।
मैं सब कुछ पता लगा के वापस आता हूँ। होशियार है ना? मैं फौलादी मुक्का। एक पपी देके जाओ। अब ठीक है। वाह। कौन है? करोड़ रुपए की कीमत की अफीम हमारे पास है, वो 50 लाख में मैं आपको दूंगा, लेकिन एक शर्त है, नकद रुपयों की बजाय आप मुझे सोना देंगे। ओके, कहां पर आऊं? 2 दिन के बाद आप यहां आइए, ले चलूंगा आपको। मिस्टर डेविड, फॉलो मी। कम ऑन राजू। Shakes, please come. Gentlemen, are you happy? Yes, yes. Very good. My son will take you. Please go with him. Thank you. Raju, इन लोगों को वो चीज देके box लेके आ जाओ. Okay, daddy. Thank you. Gentlemen, come on. क्या है manager? Oh, hello, hello, hello. सारी लड़कियां आपसे बहुत प्यार करती हैं. तकदीर है अपनी अपनी। ऐसी तकदीर हर एक की नहीं होती। आई नो मैनेजर साहब, लड़कियों जाओ। मैनेजर। यस सर।
इसमें हमारे छापे हुए 10 लाख रुपए के जाली नोट हैं। पिछली बार की तरह अपने बैंक से असली नोटों में बदल कर अपना कमीशन काट कर बाकी रुपया ला के दे देना। नो प्रॉब्लम, अभी तक 56 लाख बदल के दे चुका हूं। अभी 1 करोड़ रुपए का स्टॉक और है। नो प्रॉब्लम, और 2 करोड़ रुपए के नोट छाप लो, मेरे रिटायर होने में 2 बरस और है, उस वक्त तक सारे नोट बदल दूंगा। जरा ध्यान से, ये राज किसी हाल में बाहर ना जाने पाए, समझे? आप फिक्र मत कीजिए, मेरे मरने के बाद भी ये किसी को पता नहीं चलेगा। अब चलूं मैं, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू बॉय। बाय बाय। हेलो पुलिस कमिश्नर। यस। और से मेरी बात सुनिए, अभी आप भारत बैंक के जनरल मैनेजर गोपाल कृष्ण के मकान पर छापा मारिए, वहां गड्डियां होंगी जाली नोटों की। आप कौन है? मुक्का है? फौलादी मुक्का। मिस्टर कमिश्नर, मैं बड़ा ऑफिसर हूं, बेकार परेशान करने पे क्यों तुले हैं? मैं आईजी से कंप्लेन करूंगा। मिस्टर गोपाल कृष्ण, खास इंफॉर्मेशन मिलने पर ही हम आए हैं। मिस्टर कमिश्नर, वहां कुछ नहीं। सारे जाली नोट किसने दिए? कैसे आए आपके पास? सॉरी मिस्टर कमिश्नर, मैं जब तक जिया बड़े आराम से जिया, जेल की रोटी खाई नहीं जाएगी। फौलादी मुक्का, फौलादी मुक्का, कौन है ये फौलादी मुक्का? हाँ डैडी, इसी चीज का ताज्जुब हो रहा है। मैनेजर गोपाल कृष्ण जब रुपए लेके गया तो रात के 11 बजे थे, जब उनके घर की तलाशी हुई तब रात के 12 बजे थे। इसके पीछे जरूर कोई राज है, हमारे साथ रहकर कोई नमक हरामी कर रहा है। कल यहां कौन कौन था? कम ऑन लाइन अप। यही सब लोग यहां थे। बस 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 बस, अपना बंसी ऐसी प्लांट के पास घायल पड़ा है, उसे होश नहीं है। राजू तुम जाके देखो। ओके डैडी। क्यों रे सुरेंदर, तूने खूब नमक हरा ली की? ऐसा मैंने नहीं किया बॉस, मुझे मत मारी, मुझे मत मारी। बंसी की बेहोशी टूटते ही सच्चाई मालूम हो जाएगी, कल जरूर कोई हमारे घर में घुस के हमारा भेद ले गया। हमारे मकान में कोई खुफिया जगह है, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। हम मान ले के बाहर का आदमी घुस आया तो भी उसको हमारी खुफिया जगह का पता किसी ने बताया होगा, वो कौन है? बोल। बास, बास, मुझे माफ कर देना बास, जब मैं बाथरूम में था कोई आदमी मुंह पर कपड़ा बांध कर गुस्सा आया और मुझे खूब मारा पेटा, मैंने ही उसे ये जगह बताई, तब मैंने सोचा कि उसका यहाँ आकर झक मारना मुश्किल है। तो झक मार गया ना, कौन है वो? उसे मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक और दफा अगर वो मेरे सामने आ जाए तो यकीनन उसे पहचान लूंगा बॉस। उसकी वो आंखें देखने के बाद उसे भुला पाना मुश्किल है। बॉस एक हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा, वरना आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। बंसी भी यही कह रहा था डैडी। आई सी, यहां पर जितना भी माल या दस्तावेज हैं फौरन हमारे दूसरे खुफिया अड्डे पर पहुंचा दो। Go, come here. Go, come here. Go. रुक जा, संभल के खड़े हो जा, देखो मुझे। सर आपसे आंखें मिलाते हुए शर्म आ रही है मुझे। Oh, my God.
काश का बच्चा यहाँ आया था। नहीं, यहाँ तो नहीं आया। रस्कल, कहाँ बच के भागेगा, मैं देख लूंगा। प्रकाश बाहर आओ। तुम यहाँ छुपे हो जानती हूँ मैं, तुमको राजू क्यों ढूंढ रहा है? मैं और राजू तो आंख में चौली खेलते हैं। चोरी वोरी की है? छे छे, मैं चलता हूँ। प्रकाश, मैंने तुमको राजू के हवाले नहीं किया, मुझको इनाम नहीं दोगी? हो, I'm sorry, thank you very much. सिर्फ thanks? और क्या चाहती हो तुम? प्रकाश, प्रकाश, I love you. मगर तुम तो राजू की... की हूँ, पर अपनी मर्जी से नहीं। होटल में नर्तकी का काम मांगने आई, मैं बेबस लाचार थी, उसने मुझे जबरदस्ती रखेल बना लिया, अब मैं तड़प रही हूँ। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बोलो, मैं मदद करूंगा। मन की शांति तो मिले मुझे, वो मुझे तुमसे मिलती है, इसलिए घर बुला रही हूँ, तुम जरूर आना प्रकाश। ये रहा विजिटिंग कार्ड। जाने वो लड़का दूध में मक्खी पी गया। चिल्लाता क्यों है? हम नहीं चिल्लाए हुआ। कहाँ? कौन है आप? प्रकाश को जहाँ नौकरी दिलाई थी ना, उस होटल के मालिक हैं। बड़े होटल के मालिक हैं। पधारिए पधारिए, बैठिए। खामोश, बैठने नहीं आए। वो प्रकाश कौन है? बड़ा अच्छा बच्चा है जी। वो अच्छा है या बुरा, जब हम उसकी खाल उधेड़ेंगे तो पता चलेगा तुम्हें। उसकी खाल उधेड़ देंगे? कहाँ है वो? यहाँ नहीं आया, वो नौकरी पे गया तो होगा वही होटल में। वो भाग आया होटल से। आपने पकड़ नहीं दी क्या? वो यहीं कहीं छुपा होगा, फौरन तलाश करो। कौन है, कौन है, क्या है, क्या है, कैसे गला था, कौन है? बस सिर्फ ये लड़की अंदर थी। अब कैसे पकड़ना है जान गए हम। ए, इस छोकरी को पकड़ लो। अब जैसे भी उस प्रकाश के बच्चे को ढूंढ के उसे मेरे पास लाओ। 24 घंटे का मैं टाइम देता हूँ। उसके अंदर अंदर होटल में ना आया तो तुम्हारी बेटी की बोटी बोटी। सुंदरी, क्या है भैया? प्रकाश का कुछ पता नहीं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊं या नहीं कुछ समझ में नहीं आता। हाय मेरी बेटी, प्रकाश प्रकाश आ गया, प्रकाश आ गया। मेरी क्या बेटी हुआ? को उठा के भाग गए, पता नहीं क्या हाल बना देंगे उसका। उस होटल का मालिक जो है ना, अपने गुंडों के साथ वो आया, तुम्हें पूछा कह दिया तुम नहीं हो, तो कम्मो को उठा के भाग गया। रूपा, 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 ओ प्रकाश, तुम्हारी याद में पी रही थी, तुम जरूर आगे। यकीन था मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। कमो को कहाँ छुपाया गया है? जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो कमो किस लिए? हर आदमी को मुझसे प्यार है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। लो तुम भी पियो, पियो ना। तेरा सुनो तो सही। हाँ
रूपा, रूपा प्रकाश तुम कब आए? देखो रूपा, मुझे कमों से प्यार है। बलराम के लोग उसे उठा के भाग गए। मैं सारा कस्सा तुम्हें बताता हूँ। मेरी बात अगर सच्ची लगे, अगर मुझसे तुम्हें प्यार है तो मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। 7 साल हुए। ये बात है? हाँ रूपा। जहां तक मैं समझती हूँ उसे गोदाम में बंद किया होगा। थैंक यू। प्रकाश मनोज, आने वाले हम सब सकते हैं। वो लोग आ रहे हैं। दरवाजा बंद है, उस तरफ से चलो।
रास्कल, तो तू है फौलादी मुक्का। ए, तूने जो नुकसान पहुंचाया है वो कुछ भी नहीं, लेकिन हैरान जो किया है तूने वो बहुत है। नहीं, ये बात तुम बिना समझे बोल गए, अभी तो शुरुआत की है मैंने। ये समझ ले, जैसे भट्टी में जाने के बाद लोहा भी पिघल के मोम हो जाता है, ऐसे हो जाएगा तू। लोहा उसके बाद ठंडा होने पर भाले की शक्ल में भी तो आ सकता है। जरूर, तब तक तू बचा रहा तो। प्रकाश, तू एक फकीर है, लेकिन मैं हूं एक करोड़पति। मेरे चारों तरफ पूरी फौज है, मेरी ताली की आवाज देश भर में गूंज उठती है। हो सकता है, लेकिन ऐसा भी होता है कोई जबरदस्त इंसान अकेला पूरी फौज को नेस्तो नाबूद कर देता है, समझे? महाभारत की मिसाल को तू भुला बैठा बलराम। अभी तू थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, छोटा मुंह बड़ी बात मत कर। बात में दम हो तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है और कानों के पर्दे फाड़ देती है, ये तो तुमने सुना ही होगा। अरे ये क्या बकी जा रहा है, कोई यहाँ नमक हराम आदमी है तूने जिससे मेरी राज जानकर खिलवाड़ किया है मुझसे? कौन है वो आदमी? ये है गद्दार है, मैंने पहले भी तुझसे कहा था लेकिन ना कर दी तूने। जी पिताजी। राजू, अब तुम्हारी काबिलियत का इम्तिहान लूंगा मैं। मेरे बाद इस खौफनाक धंधे को चलाने वाले तुम हो, हमसे गद्दारी करने वालों को उनके जुर्म के मुताबिक तुम सजा दोगे, और सजा का मंजर देखकर मुझे मजा आना चाहिए। सुरेंदर। यस बॉस। हमारे पिंजरे से शेर को ले आओ, फौलादी मुक्का फौलाद का है या मिट्टी का है मालूम हो जाएगा। ओके। Hey, शेर को ले आओ मैदान में। लॉयन, तुम परेशान थे कि बहुत दिनों से मैंने तुम्हें कोई काम नहीं दिया है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है। इसने हम सबका और सबसे ज्यादा मेरा अपमान किया है, इस कमीने को फौरन न तोड़ डालना, खूब तड़पा के धीरे धीरे इसकी जान लेना। हमें इसका अंजर पंजर टूटने की आवाज सुननी है, जब ये मर जाएगा तो हम इसके दांतों के बट्टे बना के खेलेंगे। थक तेरे की, मैं तुझे मर्द समझता था, लेकिन अब पता चला कि बट्टे खेलने वाला ना मर्द है तू। मैं मर्द हूं या नहीं अभी जान जाओगे। छोड़ दो।
वेल डन लायन। सॉरी प्रकाश, चूहे बिल्ली का खेल मेरा शौक है। रिवॉल्वर नीचे फेंक दो, कहा ना मैंने? तुम्हारा एक ही बेटा है ना? नहीं, छोड़ दे नहीं।
जब वो पकड़ा गया उसी वक्त छूट कर देना चाहिए था आपको। उसके चूहे बिल्ली का खेल खेलना ही आपकी भूल। राजू, रूपा उसके साथ भाग गई है। हमें अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचना होगा। पहले चल के अपने खजाने को बचाना जरूरी है। कम ऑन, लेट्स गो। यही है वो जगह। इस पहाड़ पर ही उन लोगों ने अपना पूरा माल छुपा के रखा हुआ है। वहां पहुंचने के वास्ते वो डोल है, उसे नीचे उतारने वाले आदमी वही हैं। तो फिर ऊपर कैसे पहुंचेंगे? मन में हिम्मत हो तो आकाश तक पहुंच सकते हैं। चलो उस तरफ चले आओ। तुम दोनों यहीं ठहरो, उधर से मैं ऊपर पहुंचता हूं। ध्यान से। प्रकाश!
कहता हूँ तुम दोनों ऊपर आ जाओ। सोना पेटी में भर दो। कमान बी क्विक। प्रकाश ऊपर पहुंच गया है। रंजीत से मैंने उससे निबटने के लिए बोल दिया है। हमें तुरंत मार्ग में भागने चाहिए। क्विक कमान क्विक क्विक। यहां एक शत्रु आने वाला है, उसे मैं जिंदा ना छोड़ू राजू का हुक्म था। तो ही वो शत्रु है, इसका मुझे पता भी ना था। रंजीत तुम यहां कैसे? मैं यहां बलराम का मुहाफिज हूं। उस दिन गुरुकुल में तुम जीत गए थे ना? वो परीक्षा थी, परीक्षा में हारे थे तुम। जिंदगी में आसानी से हार मैं नहीं मानता। हार का वो धब्बा अपने माथे से आज धो डालूंगा मैं।
तुमसे मुकाबला करने का मेरा कोई इरादा नहीं। कुरुकुल में मैं तुमसे जीत गया उस बात से इतना दुख तुम्हें होगा, अगर ये जानता तो मैं जीत तक कभी नहीं। इस बलराम और उसके गिरोह के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। हत्या कर दी मेरी बहन की उस दुष्ट ने। अब मिटा के रहूंगा बलराम को और उसके सारे गिरोह को। ऐसे बदमाश खूनी और समाज के दुश्मन को बचाने के लिए दैवी कला का दुरुपयोग मत करो। आगे तुम्हारी जो इच्छा। उठाओ और जल्दी ले चलो, क्विक। ठहरो रंजीत, ये क्या? अन्याय से कमाए हुए माल और दौलत का मेरे होते हुए बाहर जाना मुश्किल है। ये बात है, यही बात है। मेरी सीखी हुई दैवी कला आज के बाद तुम जैसे खूनी की जान बचाने में इस्तेमाल ना होगी। प्रकाश, तू क्यों मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा है? तेरा मेरा क्या विरोध है? जन विरोध है। मेरी बहन सुमित्रा का तूने खून किया, उसी का बदला लेने के वास्ते मैं फौलादी मुक्का बना। तब क्या उस दिन तू जिंदा रहा? अब देख, आज तुझको मैं ऐसे मारूंगा कि नाम निशान नहीं रहेगा। सॉरी कमिश्नर साहब, इस बदमाशों के गिरोह को मैं खुद पकड़ना चाहता था, इसीलिए आपको फोन नहीं किया मैंने। इससे पहले इनके बारे में सुराग हमें आप ही ने कई बार दिए थे ना? हाँ सर। थैंक यू मिस्टर फौलादी मुक्का। इंस्पेक्टर, सारा सामान कब्जे में ले लो और इन्हें गिरफ्तार कर लो।
रंजीत, yes. ये है मिस कम्मो, इनसे मैं ब्याह करने वाला हूँ। You are very lucky, congrats. ये है मिस रूपा, इस ग्रह को पकड़वाने में इन्होंने बहुत मदद की है। I see. By the way, she is a very nice dancer. ये बात है, आपके नाच का नमूना हम भी देखें? Oh yes, 1, 2, 3, 4. Hey.